कीर्ति चक्र विजेता सीआरपीएफ जवान चेतन कुमार जुता के वापस ड्यूटी पर जाने को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चेतन कुमार जुता ने मौत को मात देकर वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। लेकिन क्या 2017 में घायल होने के बाद चेतन कुमार जुता ने अब जाकर अपनी ड्यूटी फिर से संभाली है? जब हमने इस दावे की जाँच की तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल 2017 में कमांडेंट चेतन कुमार चिता जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 1.5 महीने वे कोमा में थे, लेकिन ठीक होने के बाद वे 2018 में ही फिर से ड्यूटी पर लौट गए और इस साल की शुरुआत में वे पहले जैसे ही एक बटालियन का चार्ज भी ले चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा के रहने वाले चेतन कुमार जुता सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में कमांडिंग ऑफिसर थे, जब 14 फरवरी 2017 को कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में उन्हें 9 गोलियां लगी थी। इस मुठभेड़ में आतंकी तो मारे गए, लेकिन सीआरपीएफ की टुकड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। 2018 में यानी पिछले साल ही चेतन कुमार जुता को कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। News Desk.